आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु आज आपसे बहुत अद्भुत तरीके से बात करेगा। आज परमेश्वर का वचन जो आपके सामने रखा जाएगा, जो बोला जाएगा, इसको ध्यान से सुनना और अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचना कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या कहना चाहता है, हमें किस बात की करेक्शन की अपने जीवन में ज़रूरत है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम अपनी लाइफ में शांति, चैन, विश्राम और आराम और प्रेम को और ब्लेसिंग्स को क्यों नहीं देख पा रहे। आती तो है लेकिन होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, सब कुछ होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी आंसुओं में, फिर भी दुख में कुछ खोने का एहसास होता है और कुछ ना होने का भी एहसास होता है। लिखा है, वचन कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। वचन को तुच्छ जानने का मतलब है हल्के में लेना। हमें पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये तुच्छ जानना हो गया, मतलब हल्के में लेना हो गया। परमेश्वर की चेतावनी हमें बार बार याद रहती है, हमारे सामने आती है, लेकिन फिर भी हम उनको तुच्छ जान देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा के डरवैये कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और डरते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं से कि हाँ भाई, परमेश्वर ने कहा है कि व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करनी है, तो मुझे नहीं करनी है। अगर आपके अंदर ये परमेश्वर का डर है जो पाप करने से पहले आता है, एक परमेश्वर का पवित्र भय होता है जो हमें पवित्र करता है, अगर ऐसा भय है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और लिखा है कि टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें तुझसे कहना बहुत दूर रहे। मतलब कई बार तो हम बहुत सी ऐसी ऊटपटांग बातें जिनका कोई हाथ, जिनका ना कोई पैर, ऊटपटांग उल्टी सीधी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, कभी कहाँ की बात, कभी कहाँ की बात, फालतू की बातें एक दूसरे को हंसाने के लिए, या ऐसी उलटफेर की बातें करते हैं जिसके द्वारा सामने वाले को थोड़ा सा हंसी हो, या सामने वाले का थोड़ा सा मजाक बन जाए, या अपना मजाक बनाते हैं, या कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लिखा है कि टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बातें वो भी होती हैं, जैसे अगर किसी कोई दुख में है व्यक्ति, तो उसको दुख के समय शांति की बातें और भलाई की बातें ना बोलकर, उसकी मदद और सहायता ना करके, वरन उसको और टीज कर रहे हैं, और दुख दे रहे हैं, ऐसी उसको चिढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उलटफेर की बातें कर रहे हैं, जिससे उसको और दुख हो। उसको शांति देने के बजाय उसको और दुख दे रहे हैं, उसको और सता रहे हैं, बातों से टोन मार रहे हैं, उसकी परेशानी को और खींच रहे हैं, उसके घाव को मतलब और कुरेद रहे हैं, टेढ़ी बातें बोल बोलकर उसको, सामने वाले को और क्रोध दिला दें और बुराइयों को उत्पन्न करने के लिए हम अपने मुंह से ऐसे उलट फेर की फालतू की बातों को बोलते हैं, जिससे कि सुनने वाला और क्रोधित हो जाए और टेंशन और चिंता परेशानी में हो जाए, या कुछ गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा ले, जिसके कारण भुगतना हमें अपने लोगों को ही पड़ता था। और लिखा है कि टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें वो होती हैं कि किसी को धोखाधड़ी देना और किसी को बातों ही बातों में फंसा लेना, किसी को लूट लेना और किसी को शब्दों के द्वारा फंसा के किसी का इस्तेमाल कर लेना, झुठलाना और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके द्वारा मतलब अपने हिस्से का काम निकाल लेना और दूसरे को मतलब एक तरीके से यूज करके इस्तेमाल करके फेंक देना। चालबाजी की बातें, चालबाजी खेल देना, किसी के साथ चाल खेल देना, किसी को इस्तेमाल कर लेना। हमें देखना है कि अपने जीवन में हमने कहीं किसी को कोई कूड़ा करकट तो नहीं बना रखा है, कहीं हम किसी को इस्तेमाल करने की तो नहीं सोचते हैं, चलो भाई इससे अपना काम निकाल लेते, फिर बाद में इसको लात मारेंगे, धक्का मारेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। और लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है, और जैसा तू सोचता है या जैसा तू सोचती है वैसी तू है, वैसा तू है। मतलब अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोच लिया, किसी को इस्तेमाल करने का सोच लिया, किसी की बुराई करने का सोच लिया, गाली गलौज सोच लिया, किसी का दिल दुखाने के लिए सोच लिया, या कोई चोरी करने के लिए सोच लिया, चाहे एक सिंगल रुपये की चोरी हो, चाहे अपना फायदा करने की, या दूसरे का नुकसान कराने की, या दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए सोच लिया, तो उसका मतलब मैं चोर और डाकू, मैं बुरा व्यक्ति हूँ, मैं अभिलाषी हूँ, मैं मतलब वो काम करता हूँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता, ना ही जो परमेश्वर को पसंद है। तो यही चीज है, अगर मैंने किसी के बारे में गाली गलौज सोचा तो उसको मतलब मैं गाली बकने वाला व्यक्ति हूँ, और गाली बकने वाले व्यक्ति, गाली बकने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और वचन में लिखा है, अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोच भी लिया तो पाप कर दिया। अगर मैंने सोच लिया कि भाई वो लड़की उस लड़की की ड्रेस, या वो लड़का उस लड़के के ड्रेसिंग सेंस कैसा है, तो मतलब मैंने थोड़ा गलत सोच भी लिया तो मैंने पाप कर दिया, मतलब व्यभिचार में मन में कर बैठा। अगर मैंने किसी के बारे में सोच भी लिया तो, शारीरिक रूप से तो करना बहुत दूर की बात है। हम सोचते हैं कि भाई मैं चर्च भी जा रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, और परमेश्वर का उपवास भी रखता हूँ, रोजाना मैं तो उपवास रख रहा हूँ, और मैं तो चर्च में आराधना भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं तो संगति भी करता हूँ, मैं तो रोजाना वचन सुनकर सोता हूँ, रोजाना प्रार्थना करके सोता हूँ। लेकिन लिखा है कि हमारे सारे धर्म के काम
भले काम परमेश्वर के आगे मैले चिथड़ों के समान है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में तो किसी के बारे में गलत सोचा है ना, क्योंकि परमेश्वर मन की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मनुष्य भारी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। यहोवा मनों को जांचता है, यहोवा मनों को तोलता है। इसीलिए वो कहता है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा तू है। जो मन के भंडार में होता है ना, वही मुंह से निकलता है। अब हम कैसे हैं ये हमारे कर्मों से पता चलता है। अगर कोई हमें दुख दे रहा है, अगर मैं कोई हमें कोई पीड़ा दे रहा था, कोई हमें सता रहा था, टेंशन दे रहा था, चिंता दे रहा था, परेशानी दे रहा था, या हमें बार बार परेशान कर रहा था, हमारे सही होने के बाद भी हमें कोई दुख दे रहा था, तो उस समय अगर हमें लोग दबाते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है, ये हमारे शब्दों से पता लगता है कि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। अगर हमें कोई दुख दे रहा है, अगर उस दुख के समय अगर हमारे अंदर से कुछ गलत निकल रहा है, तो उसका मतलब हमारे अंदर से वही निकल रहा है जो हमारे अंदर भरा हुआ है। मतलब अगर कोई हमें दुख देता है तो हमारे अंदर से बुराइयां निकलती हैं, गाली गलौज निकलता है, दोष लगाने वाली बातें निकलती हैं, गाली गलौज वाली बातें निकलती हैं, लड़ाई दंगे वाली बातें निकलती हैं, और गाली गलौज और उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, तलाक कोर्ट केस वाली बातें निकलती हैं, तेरी मेरी निकलती है, और मतलब ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जिससे मुठभेड़ हो जाती है, जिससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिससे अच्छे वाले परिवार भी टूट जाते हैं, लेकिन कोई सहन नहीं करता है। अब वही चीज़ है, जैसे एक कोलगेट है, अगर उस कोलगेट को आप दबाओगे तो उसके अंदर से वही निकलेगा जो उसके अंदर भरा हुआ है ना, उसके अंदर से वही निकलेगा जो उसमें भरा हुआ है। अब यही चीज है, अगर कभी हमें दबाया जाता है, कहने का मतलब अगर कोई हमें दुख देता है, टेंशन देता है, परेशानी देता है, चिंता देता है, या कोई हमें सही होने के बाद भी सताता है, तो उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है, ये हमारे शब्दों से पता लगता है। क्या कि क्या हम उस समय भी माफ कर रहे हैं? क्या उस समय भी हम सह रहे हैं? क्या उस समय भी हमारे मुंह से किसी के लिए आशीष निकल रही है? क्या हम उस समय अपने शत्रुओं से प्रेम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? ये हमारे फलों से पहचाना जाता है, ये हमारे गुणों से पहचाना जाता है। अब वही चीज है, हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन के अंदर जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे मन के अंदर है वैसे ही हम हैं। क्योंकि लिखा है, जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है, जब समस्या आती है ना, तो जब प्रेशर होता है हमारे ऊपर, जब हमें दबाया जाता है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है कि ये कर ले, वो कर ले, तू ऐसा है, तू वैसा है, उस समय हमारे अंदर से किस प्रकार का गुस्सा निकलता है? अच्छा गुस्सा निकलता है, गलत गुस्सा निकलता है, या हम अपनी भड़ास निकालते हैं, या गंदे गंदे शब्द निकालते हैं। अब जो अंदर भरा है वही तो निकलेगा। अब इससे हमें जांचना है कि हमारे अंदर क्या भरा है, क्योंकि जब यीशु मसीह को लोगों ने सताया तो यीशु मसीह के मुंह से आशीष निकली। लिखा है कि उसने चांटे के बदले चांटा नहीं करा, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं करा, उसने सबको माफ किया, उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु का स्वभाव है माफ करना, प्रेम करना, दया करना, आनंद, शांति और धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना, और विश्वास रखना अपने परमेश्वर पे, जो आज भी है और कल भी है, जो था, जो है और जो आने वाला है। और नम्रता, हर बात में नम्रता। नम्रता का मतलब होता है अपने आप को जीरो कर लेना, चाहे हम कितने भी सही हैं, हमें जीरो करना है अपने आप को, सामने वाले को ऊंचा उठाना है। नम्रता और संयम, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा पर हमें कब्जा करना है। चाहे कोई हमें कितना भी शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से या आर्थिक रूप से कोई भी दुख दे रहा था, कोई हमें टेंशन या चिंता हो रही थी, उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है? लेकिन जब यीशु के ऊपर ये सारी समस्याएं आई थी, तो उस समय यीशु के अंदर से वही निकला जो हम सबके लिए भला था। यीशु ने माफ किया, प्रेम किया, दया की, और हमारे लिए प्रार्थना की। यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, यहाँ तक कि वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं था, वो कंगाल हो गया, उसने अपने वस्त्र तक फड़वा दिए, उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान भी दे दी, उसको मारा गया हमारे लिए, उसको दबाया गया, उसको सताया गया, उसको गाली गलौज किया, लेकिन उसके अंदर से क्या निकला कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर हम यीशु के चेले हैं ना, तो ये हमारे गुणों से पता चलेगा, ये हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, अच्छी बातें भरी हुई हैं या बुरी बातें भरी हुई हैं, ये हमारे गुणों से पता चलेगा। अगर हम यीशु के चेले हैं तो हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने से, बोलने और बतलाने से यीशु के वचन और यीशु की महिमा चलकेगी। लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे कि हाँ भाई, इसको कितना सताया जाता है, ये बंदा कितना सही है। लोग गवाही देंगे, क्यों? क्योंकि यीशु के बारे में गवाही दी। लिखा है कि दुख उठाने के समय में यीशु ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और जो सही होने के बाद भी सहता है, तो ये परमेश्वर को भाता है। अगर हम गलत प्रकार के कोई काम कर रहे हैं, अगर पाप कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, अगर उसके बाद अगर हम दुख सह रहे हैं, तो ये इससे कोई फायदा नहीं है, खामखा अपने आप को हम दुख देते हैं। अगर हम सही होने के बाद भी सह रहे हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। और जब खुदावन इन बातों को देखता है ना कि हाँ भाई मेरा बेटा सही है, सही होने के बाद भी सह रहा है, तो परमेश्वर तुरंत न्याय चुकाता है। उसका वचन कहता है कि जो दिनों रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। और लिखा है, आगे पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है।
कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसे लोग आते हैं कि जिनके द्वारा हम कुड़कुड़ाते हैं या गाली गलौज होता है या भड़क जाते हैं या हमारा अभिषेक खराब होता है, जिनकी वजह से हम आराधना नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, आशीष नहीं पा पाते, जिनकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते या हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है अगर वो लोग हमारे सामने आते हैं तो? कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें सिखाने के लिए सामने वाले का मन इतना कठोर कर देता है कि हमको जांचना चाहता है परमेश्वर। कई बार शैतान भी परखता है कि देख अब इसके सामने इस बंदे को लेकर आऊंगा, इसके सामने इसके पति को लेकर आऊंगा, इसके सामने इसके परिवार वाले को लेकर आऊंगा, देखता हूं इसके मुंह से क्या निकलेगा, मैं इसको और सताऊंगा और दुख दूंगा और दबाऊंगा, देखता हूं उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या निकलेगा, क्या ये अभी भी आशीष बोलेगी अपने मुंह से, क्या ये अभी भी माफ करेगी, कहीं ये गुस्से में मुंह से कटु वचन या गलत दुख देने वाले वचन तो नहीं बोलेगी, कहीं ऐसा क्रोध भड़केगा तो नहीं इसके शत्रु पे, चलो मैं देखता हूं। कई बार परमेश्वर भी परखता है, शैतान भी परखता है इन बातों को। और लिखा है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आया तो यीशु मसीह हर बात में परफेक्ट निकला, और लिखा है शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। और अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ, अय्यूब को किस तरीके से भरमाने की कोशिश करी शैतान ने, उसका सब कुछ चला गया, उसका राजपाट चला गया, उसका धन दौलत उसका सब कुछ चला गया, और उसके पास घोड़े थे, उसके पास ऊंट थे, उसके पास खेत थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया था शैतान ने उसका, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे तक बर्बाद कर दिए थे, बच्चों को भी पल भर में मार दिया था, और उसकी पत्नी तक ने भी उसको बोल दिया था कि अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर, और यहाँ तक कि अय्यूब के मित्र तक आ गए थे कि अय्यूब क्या तूने कोई पाप किया है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे कि अय्यूब के मुंह से पाप निकले, कुछ गलत बातें निकले और वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाए या तो फिर वो अपने परमेश्वर की निंदा करे। लेकिन अय्यूब अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा था, अय्यूब ने अपने शब्दों का ध्यान रखा, क्योंकि लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, और लिखा है कि जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में है, और जीवन और मृत्यु हमारी जुबान में है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अय्यूब ने कभी परमेश्वर के विरोध में गवाही नहीं दी, अय्यूब परमेश्वर के विरोध में नहीं हुआ, वरन जो लोग उसको और भड़का रहे थे कटु वचन से या कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि भाई अय्यूब उकसाव में आकर कुछ ऐसी बातें बोले, अपने परमेश्वर की निंदा करे, लेकिन वो सारे लोग बिल्कुल हार गए। और जिन लोगों ने क्रोध किया था, जिन लोगों ने दुख दिया था, जिन लोगों ने बातों के कारण सताया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी तक ने सताया, तो अय्यूब ने कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, जिस परमेश्वर ने हमें दुख दिया क्या हम उसे सुख भी ना ले। इस बात में भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप वाली बातें नहीं निकली परमेश्वर के विरुद्ध में। और जब कोई भी व्यक्ति या हमारा कोई विरोधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कारण हम कुड़कुड़ा जाते थे या हमें गुस्सा आ जाता था, तो हमारे सामने हमारे जब ऐसी परिस्थिति आती थी तो हमारे मुंह से कैसे वचन निकलते थे? अब यहां पर वचन लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जब एक पत्नी को उसका पति सताता है तो उस समय कैसी बातें निकलती हैं? क्या पत्नी लड़ती भिड़ती है या माफ करती है? अगर माफ करती है तो ये परमेश्वर का गुण है और ये आज्ञा पालन वाली बात भी है। और सामने वाले को कंट्रोल करना ही हमारी जुबान में है, क्योंकि लिखा है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे कि वो भड़क रहा है, बहुत गुस्से से आग बबूला हो रहा है, तो उसको शांत करने का तरीका सिर्फ हमारी जुबान में है। लिखा है हमें कोमल उत्तर देना है जब भी सामने वाला हमारे नियंत्रण में आएगा, परमेश्वर का आत्मा उससे बात करेगा कि मैं भाई इसको इतना प्यार से बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा उससे बात करेगा कि भाई मैं गलत होने के बाद भी इसको इतना क्रोध से बोल रहा हूँ, इसको भड़क रहा हूँ, बिल्कुल इस पर गुस्सा दिखा रहा हूँ और मैं इसको क्षति पहुंचा रहा हूँ, उसको ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे कोमल में बात कर रहा है, कोमलता में बात कर रहा है, प्रेम से बात कर रहा है, तो उस समय आपका कोमल वचन पत्थर को भी फाड़ डाल देगा। लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। अगर आप प्रेम से बोलोगे ना, प्रेम क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप प्रेम से बोलोगे तो वचन वो ऐसा अभिषेक बहेगा आपके द्वारा कि सामने वाला आपके नियंत्रण में हो जाएगा और उस समस्या पे आप जय पालोगे और वो समस्या उसी पल खत्म हो जाएगी। और लिखा है जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। मतलब अगर मैं भलाई करना जानता हूं लेकिन अगर मैं भलाई नहीं कर रहा, अगर मैं बुराई कर रहा हूं तो बुराई से कोई बचा नहीं सकता मुझे। कहने का मतलब ये है, लिखा है वचन में कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, अगर कोई आपके साथ भलाई कर रहा है, अगर आप बुराई कर रहे हो उसको पलटकर बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो लिखा है उसके घर से बुराई दूर ना होगी। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करता है उसके घर से बुराई दूर ना होगी। और लिखा है झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना ही उचित है। और लिखा है कि जो दोषी को निर्दोषी और जो निर्दोषी को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। कुछ ऐसा होता है ना कि भाई
एक सही व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जाता है गलत बातें बोलकर, और एक गलत व्यक्ति को सही ठहरा दिया जाता है कि हाँ भाई मेरा बेटा तो सही कह रहा है, मेरी पत्नी सही कह रही है, मेरी बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो होते गलत है। और दूसरी तरफ जो सही होते हैं उनको गलत बता दिया जाता है, नहीं तू तो झूठ बोल रही है, तूने झूठ बोला है, तू गलत है, तेरे को ऐसे देखा है, तेरे को वैसे देखा है, तू ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, तूने तूने ये करा है, तूने वो करा है। नहीं, लिखा है कि जो दोषी को निर्दोषी और जो निर्दोषी को दोषी ठहराता है ना, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है, नफरत करता है। और लिखा है जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। ये जो बातें आपको बताई जा रही है सबसे ज्यादा हमारी जुबान को लेकर है कि हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं और हम सामने वाले के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। जब कोई हमें प्रेस करता है या दबाता है या हमें दुख देता है या हमें हर प्रकार की समस्याओं के द्वारा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, या कभी कभी ऐसा लगता है कोई कुछ नहीं कह रहा लेकिन फिर भी हम अपनी समस्याओं में इतना दब जाते हैं, तो उस समय हम टेंशन चिंता परेशानी में क्या करते हैं? कहीं हम अपने आप को तो नहीं कोसते, कहीं हम परमेश्वर को तो नहीं कोसते, कहीं हम शैतान को तो नहीं कोसते, कहीं हम अपने बारे में ही तो गलत तो नहीं सोचते, कहीं हम मरने की तो नहीं सोचते? ये सारी शैतान की बातें होती हैं। उस समय हमें क्या करना है, उस समय परमेश्वर के वचन का काम करना है, वचन का उच्चारण करना है, वचन की भविष्यवाणियां करनी है, वचन को अपने मुंह से निकालना है। वचन जीवन है, जीवन का घोषणा करनी है, जीवन की बातें करनी है, जीवन की प्रार्थना करनी है। हमें लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब अगर आप अपनी जुबान को अपने तरीके से, अगर आप भली बातों के लिए उसको काम में ला रहे हो, तो हर प्रकार की बुरी समस्याओं पे आपकी भली बातें जय पालेगी और आपकी भली बातों का फल आप खाओगे। आप क्या, जैसे अगर कोई बीमार है तो उस बीमार को मुझे ये नहीं बोलना कि भाई तू बीमार है बीमार है बीमार है। अगर मैं भी बोलूंगा उस बीमार को बीमार, तो वो तो यूं ही मर जाएगा, उसको तो कोई उम्मीद ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीद तो एक ये रहती कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वरन उसको ठीक बताने की बजाय मैंने उसको और बता दी कि तू तो मर जाएगा, तो उसका तो बिल्कुल विश्वास ही गया ना। तो मतलब मेरी बातों का फल जो उसने देखा उसने सुना, इन बातों को मैं अपनी आंखों से नोटिस कर सकता हूँ कि जो मैंने बोला वो गलत उसके जीवन में घट गया। मतलब मेरे को इस बात का दुख हुआ कि भाई मैंने बोला कि यार वो मर जाएगा, तो वो मर गया। अगर मैं सही बोलता था वो सही हो जाता, क्यों? क्योंकि मसीह लोगों की शब्दों में ताकत होती है, लेकिन हम अपनी जुबान को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती है। और लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब अगर मुझे पता है कि सामने वाला बीमार है, अगर गलत चाल चल रहा है, अगर दूसरी पत्नी की तरफ ताक झांक कर रहा है, दूसरी शादी में पड़ा हुआ है, लड़ाई दंगा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुटकुड़ा रहा है, भेदभाव कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे कि मेरा दिल दुख रहा है, तो ऐसे समय में मुझे अपने मुंह से भले शब्द बोलने हैं, भली भविष्यवाणियां करनी है, भली बातें बोलनी है। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि जो गलत चीजें दिखाई दे रही हैं उनको अपने मुंह से बोलूं कि भाई वो बीमार है, मैं बीमार बोलूं। अगर कोई परिवार टूट रहा है तो मैं बोलूं हाँ भाई मेरा परिवार टूट गया। बार बार शैतान चाहता है कि अपने मुंह से अंगीकार करे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस समय आपको जीवन की घोषणा करनी है ऐसी समस्याओं पर। आपको जो गलत परिस्थितियां, गलत बातें, गलत सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, उस समय आपको अपने मुंह से गलत नहीं बोलना है समस्या को देखकर। उस समय आपको जीवन की घोषणा करनी है, आपको भली बातों की घोषणा करनी है, आपको अच्छी भविष्यवाणियां करनी है। क्योंकि लिखा है कि हमारी जुबान से जो निकलता है ना, परमेश्वर उसको क्रिएट करता है। तो आपकी जुबान में बनाकर रख देने की सामर्थ्य, इस बात का ध्यान रखना। लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब हमें कभी कभी ना, हम अपने कामों में अपना दिमाग बहुत लगाते हैं कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो। परमेश्वर की इच्छा में कुछ कुछ बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कर बैठते हैं, और बाद में उसका नुकसान, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, और हमें लगता है यार ये काम तो ठीक था, और बाद में उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई नहीं मांगते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं। क्योंकि लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, सीधा लगता है, भाई ये तो बहुत बढ़िया है। फिर बाद में लिखता है, आगे लिखा है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब वो काम बिल्कुल बेअसर हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, और अंत में मृत्यु, मतलब एक ऊंचाई के लेवल को पा ही नहीं पाता है। और लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उससे पहले हमें एक चीज देखनी है, ये आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमें किस बात की, किन बातों के लिए अपने पापों को अंगीकार करना है, किन बातों को हमें परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है, किन बातों को लेकर हमें माफी मांगनी है। लिखा है कि जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता का खोजी होता है। मतलब अगर मैं यीशु मसीह का चेला हूं तो मुझे हर परिस्थिति में प्रेम वाली बातों को प्रकट करना है। चेला हूं तो चेले वाली बातों को नहीं, वरन यीशु की बातों को, परमेश्वर की बातों को प्रकट करना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। वो क्या है? प्रेम वाले, आनंद वाले, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, भली बातों को प्रकट करना है। और मुझे बोना है, मुझे फल की चिंता नहीं करनी है, मुझे भली बातें बोनी है, भलाई को बोना है मुझे दूसरों के जीवन में। भला करते जाओ,
मुझे ये नहीं इच्छा रखनी है कि कोई भी दूसरा मेरे साथ भला करेगा, नहीं, बिना इच्छा के भला बोते जाओ। और लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता का खोजी होता है। अब जैसा अगर आप भला बोगे तो भला काटोगे, अगर आप दूसरों की प्रसन्नता को खोजोगे तो दूसरे लोग आपकी प्रसन्नता के लिए बेचैन हो जाएंगे कि भाई मुझे इन भाई को प्रसन्न करना है, इन भाई को ये अच्छा लगता है, ये खिलाना है, वो पिलाना है, इनको ये चीज़ देनी है, वो चीज़ देनी है, इनकी ये पसंद है, इनकी ये नापसंद है। मतलब दूसरे लोगों को टेंशन हो जाएगी आपकी पसंद और नापसंद की। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों की प्रसन्नता के खोजी होगे ना कि भाई दूसरा व्यक्ति ना वो सामने वाला दुख में, चिंता में, परेशानी में, टेंशन में है, तो उसके जुबान पर खुशी कैसे लेकर आऊं, उसके जीवन में प्रसन्नता, सच्ची शांति, सच्चा सुख और शांति और खुशी कैसे आएगी उसके जीवन में। तो उसी तरीके से परमेश्वर जब आपको देखेगा ये करते हुए कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी भलाई को बो रहे हैं, तो उसके जीवन में भलाई को मैं खुद उत्पन्न करूंगा। और लिखा है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, अगर आप दूसरों के अंदर की समस्या को निकाल कर अगर उसके जीवन में भलाई के बीज नहीं बो रहे, वरन अगर आप दूसरों के जीवन में से, चाहे वो आपके परिवार का, चाहे यार दोस्त है, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका खुद का जीवन है, यदि आप दूसरों के अंदर किसी प्रकार की अच्छाई को ना देखकर बुराई को खोज रहे हो, तो लिखा है उसी पर बुराई आ पड़ती है। क्योंकि अगर यीशु भी अगर यही करता ना, अगर वो हमारी बुराइयों को देखता, तो आज तक हम कब के नष्ट हो जाते। क्योंकि उसके वचन कहता है, जब हम पापी ही थे ना, तो वो हमारे लिए सही समय पर मरा और उसने हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, क्रूस की मृत्यु भी सहली। लिखा है कि धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। धर्मी का मतलब जो यीशु के लहू से धुला हुआ है और जो पवित्रताई में चल रहा है। लेकिन हम तो पापों की क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन बार बार पाप कर बैठते हैं। मतलब अब कहने का यह है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के अंदर में अच्छाई को ना देखकर, चाहे सामने वाले के जीवन में 99% अच्छाई है लेकिन 1% बुराई है, तो मैं उस 1% बुराई को लेकर उसके बारे में दोष लगा रहा हूँ, बुराइयां कर रहा हूँ, कमी निकाल रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, उसके देखकर, उसकी परिस्थितियों में, उसकी सिचुएशंस को सोचकर कुड़कुड़ा रहा हूँ, या दूसरे को कुड़कुड़ाने का कारण बन रहा हूँ, या किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, मतलब दूसरे की बुराइयों को मैं ढोल बजा रहा हूँ तीसरे व्यक्ति के सामने, दूसरों के परिवारों के सामने, मतलब उसकी बुराइयों को मैं ढांप नहीं रहा हूँ। अगर हमारा परमेश्वर हमारी बुराइयों को निकालता ना, तो हमारी भलाई एक भी नहीं है, सारी बुराइयां ही हैं। अगर आपको लगता है आपने भलाई की है, तो एक बार अपनी उंगलियों पर गिनकर तो देख लो आज तक हमने कितनी भलाइयां की हैं। कहने का मतलब, मैंने यीशु मसीह से लिए हैं 1,000 रुपये उधार, और मुझसे किसी ने लिए 500 रुपये उधार। अब जो 500 रुपये जिस बंदे ने लिए हैं, वो बंदा 500 रुपये नहीं चुका पा रहा, और मैंने उसको बोल दिया कि भाई देख, नहीं चुका पा रहा ना, इधर आ भाई, मेरे को तेरा सारा घर का वो दे और राशन पानी दे, तेरे को मैं ताला वाला मार के घर से बाहर निकाला जो अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर रहे। अगर तुझे, जब तू मेरा पैसा चुकाएगा ना, जब भी मैं तुझे तेरे घर का सारा सामान दूंगा, या तो मेरे पास आके मेरा गुलाम बन जा, या तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मेरे पास ला के छोड़ दे, या तो तू मेरा नौकर बन जा। ये एक किस्सा है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर यीशु मसीह के पास अगर मैं जाऊं कि यीशु मसीह, मेरे को जो मैंने आपसे 1,000 रुपये लिए थे ना, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं 1,000 रुपये आपके नहीं दे पाऊंगा। अब सोच कर देखो, अगर मैंने दूसरे के माफ़ नहीं किए 500 रुपये, तो यीशु क्या मेरे 1,000 रुपये माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। अगर मैंने दूसरे पर दया नहीं करी है, अगर मैंने दूसरे के अपराधों को नहीं ढांपा है, अगर मैंने दूसरों को माफ नहीं किया है, प्रेम नहीं दिखाया है, क्षमा नहीं किया, अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया है, अगर यीशु के गुणों को प्रकट नहीं किया है, अगर अपनी तरफ से दूसरे के लिए बेस्ट नहीं किया है, खुदा के गुणों को प्रकट नहीं किया है, तो खुदा हमारे लिए कैसे करेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, सही लगता है, भाई बिल्कुल ठीक रास्ता है ये तो, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और एक आखिरी वचन और पढ़ना चाहूंगा, लिखा है कि जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है ना, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है ना, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं अगर किसी के अपराधों को ना ढांप कर वरन मैं उनके अपराधों को बार बार उछाल रहा हूं, मतलब अगर गड़े मुर्दे बार बार उखाड़ रहा हूं मैं, तो बदबू आनी है, लड़ाई होनी है। अगर मैं किसी के घाव को बार बार कुरेद रहा हूँ, कोई पुरानी धुरानी बातों को बार बार लेकर आ रहा हूँ, जिससे किसी की आंखों में आंसू आ रहा है, दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, किसी को परेशानी हो रही थी, किसी को स्ट्रेस हो रहा था, या बार बार ऐसी परिस्थिति बन रही थी जिससे कि सामने वाला बहुत दुखित महसूस कर रहा था, तो इसका मतलब मैं प्रेम का खोजी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं उसके घाव को कुरेद रहा हूँ, शांति देने के बजाय मैं घाव को कुरेद रहा हूँ। और ये काम हमारा यीशु नहीं करता है। यीशु माफ करता है, प्रेम करता है, ढांपता है। यीशु कहता है देख, कल की चिंता कल आप कर लेगा, और जो बीत गया सो बीत गया, आज के बारे में सोच, मैंने तुझे सब कुछ नया कर दिया है। कौन से पाप? मैं नहीं जानता तेरे पापों को, मैं तो भूल गया, मैं तो कहता हूँ कि तू भी भूल जा,
मैं नहीं जानता तेरे अपराधों को, मैं नहीं जानता तेरे पापों को। जब यीशु हमारी बुराइयों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, हमारे गलत कामों को, गंदे गंदे कामों को यीशु भूल जाता है, तो हम क्यों ना भूलें? अगर हम यीशु के चेले हैं तो ये तो हमारे कर्मों से प्रकट होता है कि हम किसके चेले हैं, यीशु के या शैतान के। क्योंकि लिखा है जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है, अगर मैं दूसरे के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को ढांप रहा हूं, प्रेम से ढांप रहा हूं, अरे छोड़ो, माफ कर दो, उस पर दया करो, क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया है। तो लिखा है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव यही है। अगर यीशु भी, परमेश्वर भी अगर हमारे पापों को उछालता ना कि देख तूने पाप किया है जब तो तेरे जीवन में बीमारी है, देख तूने पाप किया है, देख तूने परसों पाप किया था जब तो तेरे जीवन में घटी है समस्या, देख तू मरने वाला ये है वो, सो मुंह सो बातें, तो आज तक हम जिंदा नहीं रहते। अगर यीशु परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता तो, लेकिन उसने नहीं किया। उसने हमारे पापों को, गुनाहों को, अपराधों को ढांप दिया, वरन प्रेम का एक कटिबंध बांध दिया, और हमारे पापों को कभी याद भी नहीं किया। और वो भी हमसे यही इच्छा रखता है कि हम भी कभी दूसरों के अपराधों को याद ना करें, क्योंकि हम भी परमेश्वर से यही इच्छा रखते हैं, प्रभु तू भी हमारे पापों को क्षमा करना। और लिखा है परंतु जो बातों की चर्चा बार बार करता है ना, अगर जो गड़े हुए मुर्दों को बार बार उखाड़ता है, बार बार पुरानी बातों को लेकर आके लड़ाई करता है, दोष लगाता है, बुराइयां करता है, घर में फूट पड़वाता है, तो लिखा है कि उस ऐसी बातों के कारण अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंडों में भी, अच्छे वाले रिश्ते नातों में भी फूट पड़ जाती है, बिखर जाते हैं रिश्ते नाते, टूट जाते हैं। तो बस इतना कहना चाहता हूं, अपनी जुबान पर चौकसी करें, और दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर बुराई को झांके, अपने आप को करेक्ट करें परमेश्वर के वचन से, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि सामने वाले का जीवन हमारी जुबान में है, अगर हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको नष्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको और पाप में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान में है। अब इन तीन बातों के उदाहरण जरूर ध्यान से सुनना। पहला, बदलना। जैसे एक पत्नी का पति सामने बहुत पाप करता है, वो गाली गलौज करता है, लड़ाई दंगा करता है, और बहुत दुख देता है, और मतलब व्यभिचार करता है, और व्यभिचार यह पी पी का लड़ाई दंगा करता है। अब ये पत्नी की जुबान में है कि उसको बदलना चाहती है पहला, या दूसरा उसको नष्ट करना चाहती है, या तीसरा उसको और पाप में डालना चाहती है। कैसे? अगर वो उसको बदलना चाहती है तो उसकी समस्याओं को, उसकी बुराइयों को देखकर अपने मुंह से उसकी बुराइयों की बातें नहीं कहेगी। अगर उसकी बुराइयों को देख रही है तो उन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगी, और परमेश्वर के आगे उपवास के साथ परमेश्वर के आगे संगति करेगी, और कहेगी प्रभु मेरे पति को बदल दे, मेरे पति को बदल दे, मेरे अपने पति के लिए प्रार्थना करेगी, आंसू बहा बहाकर प्रार्थना करेगी, वरन घोषणाएं करेगी, भविष्यवाणियां करेगी, मेरा पति बदल चुका है, यीशु मसीह के नाम से मेरा पति बदल चुका है, मेरा पति व्यभिचार नहीं करता, मेरा पति लड़ाई दंगा नहीं करता, मेरा पति मेरे पास आ रहा है, मेरा और मेरे पति का रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है और मजबूत हो रहा है, मेरा पति कहीं बाहर मुंह नहीं मारेगा, तो वो जरूर बदलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि राजाओं का मन नानियों के समान परमेश्वर के हाथ में रहता है, जिधर वहां, जिधर वह परमेश्वर जाता है ना, वहां परमेश्वर मोड़ देता है। तो उसी तरीके से अगर वो प्रार्थना करेगी तो पत्नी भी अपने पति के मन को परमेश्वर की ओर फेर सकती है, क्योंकि सबका मन परमेश्वर के हाथों में है। अगर वो बदलना चाहती है तो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती है, प्रभु मेरे पति को, मेरे पति के मन को पापों की ओर से, व्यभिचार की ओर से, गलत काम, गलत संगत की ओर से प्रभु मेरी ओर फेर दे, मेरे पति के मन को प्रभु तेरी ओर फेर दे, लेकिन पाप से दूर रख, पाप से बचा कर रख, तो उसका पति जरूर बदलेगा, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनहरे अक्षरों से परमेश्वर के पास स्वर्ग में लिखी जाती है, और उसने आपके आंसू का हिसाब रखा है, वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। शैतान जो आपसे छीनना चाहता है, लेकिन इस बात से आपको अनजान नहीं रहना है कि आप बलवान हो। क्यों? कि परमेश्वर ने आपको बल दिया है, और बलवान छीन लेते हैं। आपको शैतान से छीनना है। शैतान ने आपका पति चुराया है, या इज्जत मान सम्मान चुराया है, आपकी परिवार चुराया, आपकी फैमिली ब्लेसिंग चुराई है, आपका धन तन मन या आपका कुछ भी चुराया है, तो यह चीज आपको शैतान से छीननी है, और बलवान छीन लेते हैं। और दूसरा, आप पति को नष्ट करना चाहते हो, मतलब एक पत्नी अपने पति को नष्ट करना चाहती है, तो उसके लिए यही बोलेगी, मेरा पति तो नशेड़ी है, पीता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, व्यभिचारी है, गंदी गंदी गालियां बकेगी, अरे ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुझे तो पति से छुटकारा चाहिए, मेरे को तो शादी नहीं करनी थी, मतलब या तो अपने आप को कोसेगी या अपने पति को कोसेगी, तो नष्ट करने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे नारी, तू नहीं जानती कि तू अपने कुल का उद्धार करा लेगी, पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। अगर पत्नी गलत बातें बोल रही है अपने मुंह से अपने पति के लिए, तो कैसे बच पाएगा उसका पति? नष्ट तो होना ही है। फिर नष्ट होने से बचाने के लिए परमेश्वर ने पत्नी को यह अधिकार दिया है कि पत्नी अपने पति को पाप से और हर प्रकार के बुराइयों और व्यभिचार के गड्ढे से पत्नी निकाल कर लेकर आएगी। यह अधिकार पत्नी को दिया है परमेश्वर ने। यह अधिकार पत्नी को दिया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, चाहे वो बेटा हो चाहे पति हो, अगर वो पाप में है तो उसको निकालने के लिए पत्नी के पास अधिकार है। क्योंकि लिखा है कि हे नारी, तू नहीं जानती कि तू अपने कुल को गड्ढे से उठा सकती है, पापों से बचा सकती है, उसका उद्धार करा सकती है।
और पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा। लेकिन एक पत्नी अपने पति के लिए गलत गलत शब्द बोलती है, श्राप देती है, बुराइयां करती है, दोष लगाती है, कमियां निकालती है और ढोल बजाती है दूसरों के आगे। एक बात ये सोचो कि किसके जीवन में पाप नहीं है और उस पाप पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, उससे हमें जय पानी है। कि हमारे जीवन में बुराइयां नहीं थी, जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए ठीक समय पर मरा। अगर हमें लगता है कि हमने थोड़ा पाप किया है, अगर हमारे सामने वाले ने ज्यादा पाप कर दिया, तो क्या हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं कर सकते? जब यीशु ने हमें हमारे पापों को क्षमा किया, पाप तो पाप है जिसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मृत्यु से भी बचाया। जब यीशु हमें माफ करना जानता है तो हम दूसरों को माफ क्यों नहीं करते हैं? और तीसरा, अगर पत्नी अपने पति की ऐसी हरकतों को देखती है, ऐसे कामों को देखती है, ऐसी बुराइयों पापों को देखती है, लेकिन उन बातों के लिए उसको सही शिक्षा नहीं देती है और वरन उनको उसमें और सह देती है, या खुद बोलती है जब पाप कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वरन उसको दूसरी जगह मुंह मारने के लिए उसको और सह देती है, या बुराइयों में उसको और मतलब उसकी बात तो मेरी पत्नी का मन यीशु तेरे नाम से तेरी ओर फिर जाए, पापों से बुराइयों से हट जाए और प्रभु मेरी और तेरी ओर फिर जाए और प्रभु मेरा भी मन तेरी ओर फिर जाए, जो मैंने अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव किया प्रभु मुझे भी क्षमा कर। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।